मेजबान रमजान के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर रोज एक नई जगह पर नए मेहमानों के साथ रोज़ा अफ्तार करते हैं। आज हमने लाहौर रेलवे स्टेशन और उसके कुलियों का चुनाव किया है। अमीन हफीज आज कुलियों के साथ रोज़ा अफ्तार करेंगे और ये बताएंगे कि 2023 में कुलियों की अहमियत क्या है, कुलियों के मसाइल क्या हैं, कुली क्या कहते हैं, मुसाफरों के बारे में, ट्रेनों के बारे में और रेलवे इंतज़ामिया के बारे में कुलियों की क्या फीलिंग्स हैं, ये सारी बातें आज हम कुलियों के साथ करेंगे और आपको दिखाएंगे और कुलियों के साथ करेंगे अफ्तार। आप हमारे साथ रहें। आपका क्या नाम है? इशफाक अली। इशफाक अली आपका रोज़ा है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये रोज़ा रख के कुल्ली का काम है, इतना वज़न आपने उठाया हुआ है, इतना भारी बैग भी आपने उठाया हुआ है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती? देखें जी, मुश्किल तो है मगर अल्लाह की और उसके रसूल की खातर जो लिखा किताबों में वो सुनकर ईमान ला कर तो ये काम कर रहे हैं, रोज़ा भी रखा है और सामान भी उठा रहे हैं। अच्छा, रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना है, इस हवाले से आप हमें कोई ना सुनाएं, कोई हमद, कोई चीज़ अगर आप सुनाना चाहें। देखें जी, अफजल ज़ात हजूर दी दो जहान अंदर कुल नबियां दे आप इमाम बन गए, जिथे जिथे सरकार दे कदम लगे ओह जग ते आला मकाम बन गए, ए हड्डी जिन्हां दे आका दा इश्क रचिया ओह दुनिया ते साबे मकाम बन गए, मुनकर बन गए अबू जैल वर्गे, उमरे फरूक वर्गे गुलाम बन गए। ते जनाब उस तो बाद सानू यही बड़ी खुशी हुंदी है कि जिस वक्त रोज़ा अफतार हुंदा वा ते मुअज्जिन जिहड़ा वा बड़े मुहब्बत नाल कहिंदा रोज़ेदारो अल्लाह नबी दे प्यारो जन्नत दे हकदारो रोज़ा अफतार कर लो, साढ़े वास्ते यही बड़ी खुशी है। आए, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, आए बड़ी खूबसूरत बात की। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लाहौर रेलवे स्टेशन पर ये जो कुल्ली हमें नजर आ रहे हैं, इनमें से अक्सरियत की जो उम्र है वो 45, 50 और 60 साल से भी जायद है। मनो मन वजन उठाने वाले ये सीनियर सिटीजन किन हालातों वाकयात के तहत इस उम्र में भी ये हैवी वजन उठाकर मजदूरी करने पर मजबूर हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी आप बताइए, ये रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना है, तो आप ये बताएं आपको वजन उठाते हुए कैसा लगता है? बहुत परेशानी होती है। अच्छा, काम नहीं है, हैं? काम नहीं है बिल्कुल। अब काम कम है? हाँ, काम कम है। अच्छा आप बताइए, आपके क्या है, आपका रोजा है आज? जी रोजा है। रोजा है जी। कितने अरसे से आप ये कुल्ली हैं? तकरीबन 25-30 साल हो गए। 25-30 साल जी। आप अपने इस काम से मुतमईन हैं? जी है तो मुतमईन नहीं है, लेकिन करना तो पड़ता है ना, पेट की खातिर क्या करेगा गरीब आदमी। अच्छा आप क्या कहते हैं, कोई आपके लिए तजवीज है कुल्लियों की बेहतरी के लिए, कोई तजवीज हो बताए? बस देखे, जैसे हुकूमत से जो मुतालबा आप करना चाहें? मुतालबा तो हुकूमत से यही है कि गरीबों को अगर रोटी मिल जाए अच्छी से, इनको इनका इनके लिए सोच ले तो अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, आपकी मजदूरी में भी इजाफा होना चाहिए? मजदूरी में भी इजाफा होना चाहिए। कितने पैसे आम आदमी आपको देता है? ज़्यादा बेहतर यह 100-150-200, बस इससे। अच्छा आप बताइए, आपका माशा लग रहा है, आपको रोजा लग रहा है? हाँ इंशाल्लाह, पक्का रोजा, पक्का रोजा है, कोई रोजा नहीं छोड़ा? नहीं नहीं। अच्छा रोजा रख के इतना वजन उठाते हैं? मजबूरी से उठाते हैं, पेट की खातिर। रमजान में अल्लाह ताला भी खुश और रोजा रख के भी नमाज भी पढ़ो। तो मजदूरी लोग सही देते हैं? बस तो कभी 200 कभी 300 कभी 100। तो कितने पैसे रात को आप कमा लेते हैं एक दिन में? कभी 300 जाता है, एक रमजान के महीने में काम नहीं है इतना, 400-300 इसके ऊपर नहीं होता, बस अफ्तारी के पैसे ही होते। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना, इस हवाले से आप क्या हमें सुनाएंगे? मैं सर आपको नाज शरीफ सुनाऊंगा।
जी प्लीज। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारे। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं, कसम खुदा की मेरा तो वकार आप से है, कसम खुदा की मेरा तो वकार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारे। कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाजरी का शरफ बार बार आप से है, हुजूर मेरे तो। बहुत खूबसूरत, बहुत अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा ये बताएं, आपने इतना अच्छा कलाम हमें सुनाया, तो रमज़ान में आप रोज़ा रख के जब इतना वज़न उठाते हैं क्या महसूस होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती होगी? कोई मुश्किल नहीं होती है, ये रोज़ा जो हम रखते हैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए रखते हैं, कोई मसला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा तो रखना है ना, और मजदूरी भी करनी है। मजदूरी भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। भूख प्यास कोई नहीं है, कोई क्या नाम है आपका? रहमत अली जी। रहमत अली साहब आपका रोजा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रोजा रख के ये कुलियों वाला काम, इतना वजन उठाना, तीन तीन चार चार बैग उठाने, ये आपको कैसा लगता है, क्या कहेंगे आप? सर लगता कैसा है ये तो छोड़ दें, लेकिन मजबूरन है, करना पड़ता है, और करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, ये चीजें। और दूसरी बात यह है कि इसमें मजदूरी बहुत कम मिलती है, बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा टफ जॉब हो गई है, ये बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि पहले वक्त और था, गाड़ियाँ ठीक थीं, सारा सिलसिला ठीक था, अब तो गाड़ियाँ भी कुछ कम हो गई हैं, मुसाफिर भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इतना रोज़गार नहीं मिल रहा जितना बंदे की चाहिए कि उसका आसानी से गुजारा हो सके। मतलब अब रोज़ा रख के मजदूरी करने आते हैं, बिल्कुल आते, लेकिन ट्रेनें और मुसाफिर कम होने की वजह से मुश्किल है, बिल्कुल आमदनी ज़्यादा नहीं, आमदनी ज़्यादा नहीं मिल रही। अगर मिल गई मुझको
राहे मदीना मोहम्मद का नक्शे कदम चूम लूंगा अगर मिल गई मुझको राहे मदीना मोहम्मद का नक्शे कदम चूम लूंगा अकीदत से काबे में सर को झुका कर निगाहों से बाबे हरम चूम लूंगा जो ते करके आएंगे राहे मदीना मिला लूंगा मैं उनके सीने से सीना जिन आँखों ने देखा है तैबा का मंजर वो आंखें खुदा की कसम चूम लूंगा मेरी जिंदगी सिर्फ इश्क नबी है जो गम इसमें मुझको मिला वो खुशी है जी आप ये बताइए आपका क्या नाम है मोहम्मद हनीफ मोहम्मद हनीफ साहब हनीफ साहब आप कितने अरसे से ये कुल्लियों वाला काम कर रहे हैं वजन उठाते हैं सन 61 से मतलब तकरीबन 40-60 साल हो गए 60-62 साल हो गए 62 साल हो गए ये दसो हनीफ साहब 62 साल तो तुम कुल्लियों के काम कर रहे हो तो हूँ मेरे ख्याल तुम घट नजर आ रहे हैं बावजूद भी कुलियां वाला काम कर दे वजन उठा दे रोजा भी रखे है तो वजन क्यों उठाना क्यों मजबूरी है किराया मकान किराया था बिल गैस का बिल अलग था रोजी में बस है ये टची फाड़ लिया बैग फाड़ लिया ऐसा मेहरबान दे काम कर सुबह आया मैं यकीन करूँगी 200 रुपए कमाए तो आपके बच्चे नहीं है जो आपको एक लड़का है वो तो 20 काम मिल जाए उसको तो 20-25 कमाता है लेकिन वो किराया नहीं पूरा होता बच्चे कहाँ से खाएंगे 7 चीजें खाने वाले तो इसलिए आपको इस उम्र में भी करना पड़ रहा कुल्लियों का काम करना पड़ता है और कोई काम ही नहीं हो सकता मेरे कौन रखेगा मुझे रखेगा कोई चल अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे हम आपके लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ताला आपके लिए बरकत पैदा अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे बेटा अल्लाह ताला मैं तो कहना अल्लाह ताला इन्हें की सहूलत दे दे कि चलो बच्चे की रोटी तो मिल जाए नहीं इंशाल्लाह ताला आज डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से अमीन हफीज जो है वो आपके लिए अफ्तार लेकर आया है पूरा अफ्तारी हम करेंगे इकट्ठे बैठ के और हम खाना भी खाएंगे डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ मैं लेकर आया हूँ आज हम आपके साथ बैठ के खाना खाएंगे आपका क्या नाम है मोहम्मद अदरीस साहब आप रोजा रखा हुआ है हाँ जी तो रोजे में आप ये इतना मुश्किल काम करते हैं इस उम्र में भी इंशाल्लाह तो परेशानी नहीं होती नहीं हमें कोई रमजान के हवाले से आप कुछ सुनाना चाहेंगे हाँ रमजान के मामले में रब ताला दाता फरमाने के रोजा मेरे लिए है और इसका जो सवाब मैं खुद दिया तमाम मुसलमानों को रोजा रखना चाहिए जरूरी अल्लाह पाक की दात का हुक्म है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है के रोजा मेरे लिए है और इसका अजर व सवाब मैं खुद दियांगा हम देखो कितनी मुश्किल में ये काम कर रहे हैं दिन भर रात काम करते रहते हैं और रोजा भी नहीं छोड़ते इंशाल्लाह कुछ मिन्नत सुनाएं कुछ इस तरह की सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं सुभान अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। मोहम्मद अनवर? हाँ जी। मोहम्मद अनवर साहब, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 58 साल उम्र हो गई है। मेरे वाले साहब, मेरे चाचा, मेरे भाई यहाँ सब काम करते थे, अब वो चले गए हैं, उनके बाद मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। 58 साल आपकी उम्र है और आपके वालिद और आपके चचा, मतलब ये सारे खानदानी तौर पे आप? हाँ जी, इधर काम कर रहे थे। अभी अच्छा, ये बताइए आपने रोजा रखा हुआ है आज? जी इंशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से। तो रोजा रख के आप ये खुली वाला काम करते हैं तो आपको भूख प्यास? जी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की शान है, जो देखो मजदूरी करते हैं अल्लाह ताला सब्र भी दे देता है। ठीक है, मेरे पास घर भी जो है वो किराए का है, तो मजदूरी करके इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जो नसीब में रिज़्क होता है शाम को मिल जाता है। हम ये नहीं कैसी कभी किसी से कहते कि ये करो वो करो, नहीं, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह से मांगते हैं। हम अपनी आवाम का शुक्र अदा करते हैं कि हमें इस मुश्किल में भी बहुत कौम ने हमें बहुत कुछ दिया। ठीक है, मतलब आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जी, किसी न किसी बहाने से अल्लाह पाक ने हमें दिया। हुकूमत से कुछ मुतालबा करना चाहेंगे कि कुलियों के लिए कुछ करें? देखें जी, ये तो उनकी अपनी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। उनको भी नज़र आता है कि मजदूर हैं ये, हमें तो ना तो हमें कुछ मिलता है, यहाँ पे मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने में जो भी मिलता है वो खा देते हैं। नमाज़े मगरब का वक्त हुआ चाहता है और कुछ ही देर में अजान होने वाली है और अब अमीन हफीज रेलवे स्टेशन पर तैनात कुलियों के साथ अफ्तार करेंगे। हफीज ने आज लाहौर रेलवे स्टेशन के कुलियों के साथ अफ्तार की, इतना मज़ा आया, कुलियों से बातचीत की, उनके गिले शिकवे सुने और ये भी देखा कि वो कहते हैं कि वो रोज़ा रख कर भी अपना जो फ्राइज़ हैं भारी वज़न वो उठाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं आज कुलियों के साथ। कल एक नई जगह पे नए मेहमानों के साथ अमीन हफीज हाज़िर होंगे। कल तक के लिए अमीन हफीज को, मेज़बान रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।